यीशु मसीह जो पहला फल है और जिसका जिक्र यीशु मसीह के से है From first Corinthians chapter 15, verse 23, और पहला उसका अध्याय तेईस पद वीव कंसिडर्ड फर्स्ट टू लेसन और हमने पहले दो बातों को देखा है नंबर वन पहली बात द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सेम नेचर

वो सबसे उत्तम गुण पाए जाते हैं today, आज हम तीसरी बात को देखेंगे। the first fruits were the first gathered ones. और पहला फल जो है वो वही है जो जिसको सबसे पहले तोड़ा जाता है एंड सो वेयर शैडो ऑफ क्राइस्ट और वैसे ही जो मसीह के परछाई के समान है एंड द फर्स्ट बोर्न फ्रॉम द डेड जो मरे हुए में से जो पहलोटा है दैट इज व्हाट जीसस क्राइस्ट इज और वही यीशु मसीह है इट वाज फिट दैट द कॉन्करर ऑफ डेथ बी द वेरी फर्स्ट वन टू टेक पोसेशन ऑफ लाइफ और ये बिल्कुल सही था कि जिस व्यक्ति ने उस मृत्यु के ऊपर विजय पा लिया कि वो ही जीवन का पैलोटा बने आमेन आमेन एंड दैट इज द थर्ड लेसन और यही तीसरी बात है द फोर्थ लेसन इज चौथी बात यह है द शीफ ऑफ अ फर्स्ट फ्रूट वॉज लिफ्टेड अप बाय द प्रीस्ट और जो पहला फल का जो पोला था वो याजकों के द्वारा उठाया गया एंड Waved to and fro towards all directions. Or Charo Usko in the air. As an offering presented to God. And Christ as the high priest presented himself as the first fruits to God. और उसी प्रकार मसीह जो पहलोटा है उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया क्राइस्ट एज द हाई प्रीस्ट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज द फर्स्ट फ्रूट्स टू गॉड और मसीह जो कि महायाजक था उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया एक पहलौटा के सामने समान शीफ

और उसी समान मसीह जो है परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए गए ताकि जो मानव जाति है जो हम कलिसिया है हम ग्रहण योग बने फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक Mankind. मानव जाति वेर फाउंड जहाँ कहीं भी वे हैं. ऑन बिहाफ ऑफ देम और उनके खातिर क्राइस्ट was and his work was accepted by god the father and the fifth lesson is the corn of the first fruits was threshed and winnowed and the pure corn was pounded and roasted or ka usko उसको मारा गया और उसको दबाया गया और और उसको आ, मिट्टी के समान कूटा गया एंड रोस्टेड और भुना गया विद द ऑयल विदेदर विद द ऑयल और तेल के साथ मिलाकर एंड फ्रेंक और फ्रैंकिंसेंस के साथ वाज वेव्ड बिफोर गॉड और उस सुगंध के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया गया और उसका एक छोटा हिस्सा जो है उसको एक भेंट के समान आग से जलाया गया एंड द रेस्ट बिलोंग टू प्रीस्ट और जो बाकी बच गया वो याजक का था एज न्यू कॉर्न was separated from the shah, from the from the chaff or jaise ki ye naya apula jo hai us gehu se alag when christ arose he left all that was mean and humiliating jab yeshu masi ji uthe तो उन्होंने वो सारे बातें जो गंदे थे और, और 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 लज्जा करने वाले थे एंड लेफ्ट ऑल दैट इज मॉर्टल ऑल थिंग्स दैट बिलोंग्स टू दिस टेम्पररी लाइफ और वो सारे बातें जो इस जीवन सांसारिक जीवन में पाए जाते हैं वो सब छोड़ दिए ही लेफ्ट देम ऑल इन द ग्रेव वो सब उस कब्र में छोड़ दिया ऑल्सो लेफ्ट आवर सेंगे और यीशु मसीह ने अपने कब्र के कपड़ों के साथ साथ हमारे पापों को भी छोड़ दिया और तेल और सुगंध जो है वो हमें याद दिलाता है वो uh, आनंद का जो तेल है विथ uh, विच uh, जिससे हमारा जी उठा यीशु मसीह को अभिषेक किया गया and above his brethren और अपने भाइयों से ऊपर उनको ठहराया गया स्वीट फ्रेंक इन सेंस रिमाइंड ऑफ हिस इंडर सेशन और जो जो सुगंध है वो हमें याद दिलाता है यीशु मसीह के मध्यस्था विच इज हिस इंटर सेशन इज स्वीट टू गॉड द फादर और जो यीशु मसीह का मध्यस्था है वो पिता परमेश्वर के लिए एक अच्छे सुगंध के समान है एंड ही अपने आप को परमेश्वर के सामने वो प्रेम के आग के समान वो प्रस्तुत करता है एंड द रेस्ट Belong to the priest. And our great high priest is none other than the Lord Jesus Christ. Christ, as raised from the dead, is the sweet and pure food of faith to which the spiritual priesthood. is entitled वो शुद्ध वो आहार है विश्वास का आहार है जिस जिसके योग वो याजक है हालेलुया हालेलुया दिस आर ऑल सॉलिड टीचिंग्स दैट नीड केयरफुल मेडिटेशन एंड कंसिडरेशन और ये सब बहुत कठिन शिक्षाएं हैं जो मांस के समान है जो हमें उसके ऊपर बहुत मनन करना है और समझना है एंड देर फॉर आई एनकरेज ऑल ऑफ यू और इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ लगातार इन छोटे के ऊपर आप मनन करें हाउ क्राइस्ट इज रेप्रजेंटेड इन दिस ओल्ड टेस्टमेंट प्रैक्टिस ऑफ ब्रिंगिंग फर्स्ट फ्रूट टू गॉड फर्स्ट और किस प्रकार यीशु मसीह को का प्रतिनिधित्व किया गया है जिस प्रकार पुराने नियम में लोग वो पहला फल प्रभु के सामने लाते थे एंड एज यू मेडिटेट और जैसे जैसे आप मनन करेंगे योर हार्ट्स विल बी अप आपका हृदय चलन आप में चलन योर इमोशन विल बी मूव टुवर्ड्स जीसस और Christ. आपके भावनाओं जो है यीशु की ओर होने पाए थिंक ऑफ द पोजीशन टू व्हिच His resurrection has elevated us. और उस स्थान के विषय में सोचे जहां पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने हमें उठाया है. What is Christianity? मसीहत क्या है? Christianity is Christ in you the hope of glory. मसीहत यही है कि मसीह आपके अंदर जो महिमा का आशा है. That was made possible by the resurrection power of Jesus. ये तब संभव हुआ जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Lord our God. प्रभु हमारे परमेश्वर. We thank you for the Holy Spirit. हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए. Lord, these are solid teaching which requires concentrated meditation. प्रभु ये कठिन शिक्षाएं हैं और जिसमें बहुत मनन की आवश्यकता है सो हेल्प माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो मेरे भाई और बहनों को की सहायता करे बाई द आत्मा के द्वारा दाय अंडरस्टैंडिंग योर वर्ल्ड कि आपके वचन को समझने के द्वारा बी मूव टूअर्ड्स क्राइस्ट इन लव कि वे मसीह की ओर प्रेम से चलने पाए एंड लव यू हा और आपसे पूरे हृदय से वो प्रेम करें। थैंक यू धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन। आमेन